राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच देवेंद्र सिंह यादव द्वारा भाजपा नेता चंदू कंजीर पर आरोप जाहिर करते हुए अपनी पार्टी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई। इसी बीच यादव ने अपनी पार्टी पर भरोसा जताते हुए कहा कि नोटिस का जवाब शीघ्र दूंगा। यादव ने कहा कि मैंने और कई कांग्रेस जनों ने घटना की जानकारी उसी दिन दशहरा मैदान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने मुझे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकलीवाल से कहा कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर थाना पंडरीनाथ पर मेरे ऊपर हमला करने वाले और चांटा मारने वाले अपराधी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे न्याय मिल चुका है और नोटिस के जवाब के बाद पार्टी संगठन मेरे साथ न्याय कर दोषी चंदू कुंजीर पर अनुशासनहीनता और मेरे साथ हुई मारपीट के संबंध में 6 वर्ष की अनुशासनहीनता की कार्यवाही कर उन्हें पार्टी से बेदखल किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद में मैं पार्टी संगठन से रखता हूं और मुझे पार्टी से न्याय मिलेगा, इसकी मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी श्री शेखर साहब और शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी द्वारा मुझे नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरा जवाब जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। घटना 26 जनवरी की है। मैं अनुशासन की व्यवस्था आदरणीय शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के निर्देश पर कर रहा था और जिस तरीके से मेरे पर चंदू कुंजीर नाम के अपराधी ने हमला किया और ये चाटा कांड पूरे देश ने मीडिया के माध्यम से देखा है, चारों तरफ मीडिया के कैमरे थे, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अनुशासन में रहकर काम किया है क्योंकि पार्टी का अनुशासन में मैं रहने की मुझे शिक्षा मिली है। मुख्यमंत्री जी श्री कमलनाथ जी का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखना मेरा कर्तव्य था, अनुशासन में रहना मेरा कर्तव्य था। मैंने पूरी घटना की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को उसी दिन जो मेरे साथ मारपीट हुई थी उसकी पूरी जानकारी दी, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा था और जो घटना मेरे साथ घटित हुई, मारपीट हुई, उसके लिए कार्रवाई के लिए शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी को निर्देशित किया था। जवाब सवाल जो है तलब किए जाएंगे और स्पष्टीकरण अनुशासन समिति ने मांगा है।